भाई हलीमा मैटरनिटी एंड जनरल हॉस्पिटल भीलवाड़ा का कार्य कुछ दिनों से निर्माण कार्य प्रगति की ओर है। इसको लेकर दाई हलीमा मैटरनिटी एंड जनरल हॉस्पिटल के चेयरमैन मोहम्मद रफीक अंसारी की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में चेयरमैन मोहम्मद रफीक अंसारी ने कहा कि दाई हलीमा हॉस्पिटल इसी वर्ष के अंत में आम जनता के लिए समर्पित किया जाएगा। हॉस्पिटल के निर्माण में चिकित्सा संबंधित कार्य प्रगति पर है, वहीं कम खर्च पर आम जनता को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना हमारा मुख्य लक्ष्य है। वहीं चेयरमैन अंसारी ने अब तक निर्माण कार्य पर हुए आय व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत किया है। मुख्य सलाहकार शब्बीर अहमद शेख ने कहा कि वक्फ जायदाद पर निर्माणाधीन दाई हलीमा हॉस्पिटल का कार्य प्रगति पर है। आम जनता को बेहतर इलाज और उत्तम चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सके, इसके लिए शीघ्र ही सुपर स्पेशलिटी डॉक्टरों की टीम 24 घंटे आम जनता के लिए उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। वहीं निर्माण में चिकित्सा से संबंधित काम देख रहे हैं। डॉक्टर फरियाद मोहम्मद ने बैठक में कहा कि इस हॉस्पिटल में प्रथम चरण में लगभग भर्ती वार्ड सहित अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित लैब तथा अन्य जांच की सुविधा एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे रोगियों को किसी तरह की परेशानी ना हो। बैठक में सेक्रेटरी मोहम्मद असलम खान ने दाई हलीमा हॉस्पिटल में मुख्य उद्देश्य आम जनता को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराकर चिकित्सा के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हो सके, इसके लिए आवश्यक तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इस अवसर पर चेयरमैन मोहम्मद रफीक अंसारी, सेक्रेटरी मोहम्मद असलम खान, मुख्य सलाहकार शब्बीर अहमद शेख, चिकित्सा प्रभारी एवं ट्रस्टी डॉक्टर फरियाद मोहम्मद आदि उपस्थित थे।